हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्री शिक्षा सो फ्रेंड्स आज फिर डिस्कस करेंगे रेलवे आर टी पी सी का दो हजार सोलह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन सीरीज हम लोग 300 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज फिर से हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे इस सीरीज का सारा वीडियो आपके सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियर है तो आइए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए सो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज एम डी एस सी ई ओ ऑफ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड इसे शॉर्ट में कहते हैं सी एम पी डी आई इसके एम डी और सी ई ओ बने हैं शेखर साडन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस पी एम का फुल फॉर्म क्या होता है एस पी एम का एस पी एम का फुल फॉर्म है स्कैनिंग प्रॉब माइक्रोस्कोप विच इज डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया का डिजिटल स्टेट किसे किसे कहा जाता है किस राज्य को कहा जाता है इसका आंसर होगा केरला केरला को हम लोग डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है इसका आंसर है विनय बंसल विनय बंसल फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन एडल्ट में कितनी बोन्स की संख्या होती है इसका आंसर है टू हंड्रेड सिक्स ह्यूमन एडल्ट में टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होते हैं गैस इन विच बी लिव इन ब्रेथ कौन सा गैस हम लोग इन करते हैं तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है लाफिंग गैस ऑक्साइड को कहते हैं हाइएस्ट ब्रिज ऑन विस रिवर किस रिवर पर हाइएस्ट ब्रिज बनी हुई है तो भागीरथी रिवर पर हाइएस्ट ब्रिज बनी हुई है मैक्सिमम सिल्क इन इंडिया प्रोड्यूस बाय किस राज्य के द्वारा मैक्सिमम सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है इसका आंसर होगा कर्नाटका 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 में सबसे ज्यादा संख्या में सिल्क का प्रोडक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चॉकलेट मेड बाय पहला चॉकलेट किसने बनाया था इसका आंसर होगा हर्नन कोट्स ने हरन कोट्स ने पहला चॉकलेट बनाया था करेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का भी पी है इमरान खान मोस्ट पॉइजनस फिश इन वर्ल्ड विश्व में सबसे जहरीली मछली का क्या नाम है तो ये है बफर फिश बफर फिश विश्व में वर्ल्ड में सबसे जहरीली मछली होती है पीएम हु हॉस्टेड ट्री कलर मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम्स इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू टू तो किल अ मॉकिंग वुड बुक रिटेन बाय इस बुक को लिख, लिखा था ली हरपर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली इज ओनली वुमेन रूलर दिल्ली की दिल्ली की इकलौती महिला शासक कौन रह चुकी हैं तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान गोल्डन रॉक टेम्पल कहाँ है गोल्डन रॉक टेम्पल म्यांमार में है वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है इसका आंसर होगा 18 April. 18 अप्रैल अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं दीपिका करवाकर किससे रिलेटेड है इसका आंसर होगा जिम्नास्टिक ये जिम्नास्टिक से है ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड बॉलीवुड में ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन है इसका आंसर है जोहरा सहगाल एटमोस्फेयरिक प्रेशर मेजर बाय विस्क इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं इसका आंसर होगा बैरोमीटर वर्ल्ड्स मोस्ट एनर्जी इफिशेंट सिटी कौन सी है तो वर्ल्ड्स मोस्ट एनर्जी इफिशेंट सिटी का नाम है रिजाविक आइसलैंड में है ये फंक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट का क्या फंक्शन होता है इसका फंक्शन होता है कानेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना ए पी जी ए आर स्कोर इजेज टू समराइज टू समराइज हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू बायो हु डेवलप चीन्स चीन्स को किसने डेवलप किया एक क्वेश्चन ये भी है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके मुझे बताइए बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन है फेमस टेम्पल ऑफ बुद्धा इन एशिया बुद्धा का फेमस टेम्पल पूरे एशिया में कहाँ है तो ये है इंडोनेशिया में इसका नाम है बोरो बोडोर 1987 ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप 1987 ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनर टीम कैप्टन 1987 एटी ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप के विनर के टीम का कैप्टन कौन थे इसका आंसर होगा आलान बोर्डर ब्लैक गोल किसे कहा जाता है कोल को ब्लैक गोल बोलते हैं बी ए आर सी का डायरेक्टर कौन है इसका आंसर होगा शेखर वासु प्राइम कंटेंट ऑफ डायमंड का प्राइम कंटेंट क्या होता है डायमंड में कार्बन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन इज अ प्रोग्राम ऑन ऑन कौन सा प्रोग्राम है तो इसका आंसर होगा टी बेसिक ऑन टी बेसिक प्रोग्राम है हॉटेस्ट प्लेनेट किसे कहा जाता है वेनस को हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एट सी एम ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक वर्मा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट किस स्पोर्ट से अभिषेक वर्मा रिलेटेड है इसका आंसर है आर्चरी ये आर्चरी से है डायनेस्टी के फाउंडर कौन है इसका आंसर है गोपाल पेस मेकर रिलेटेड टू विच ऑर्गेन किस ऑर्गेन से पेस पेस मेकर रिलेटेड है इसका आंसर है हार्ट हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट इन राज्यसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स, कितने कैंडिडेट नॉमिनेट किए जाते हैं इसका आंसर है ट्वेल्व दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है ओसामा बिन लादेन किल्ड एट विच प्लेस किस जगह ओसामा बिन लादेन को मारा गया था इसका आंसर है अबोटोबाद तो पाकिस्तान में नाथूला पास लोकेटेड एट नाथूला पास कहाँ स्थित है

नागार्जुन सागर श्री सैलम हु वॉज द वाइस राय इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वाइस राय कौन बने इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन फ्रेंड्स गवर्नर टॉपिक पर वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है दो तीन वीडियो बना हुआ है आप उसे जरूर देखें उसे देखने के बाद गवर्नर का हर एक क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद हाई स्पीड रूरल बोर्ड ब्रांड नेटवर्क एन ओ एफ एन इसका आंसर होगा केरला अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसे कहा जाता है ये हैं सुश्रुता इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया विच रन बाय सोलर पावर इंडिया में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सोलर पावर के द्वारा चलता है तो इसका आंसर है कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेव के फाउंडर कौन है वर्ल्ड वाइड वेव के फाउंडर हैं टीम बर्नर्स ली व्हेन वाज पीएसएलवी लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम पीएसएलवी पहली बार कब लॉन्च हुआ था क्वेश्चन नंबर 352 और 353 का आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद कहाँ है जामा मस्जिद है दिल्ली में वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वर्ल्ड विश्व की पहला विश्व की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट का क्या नाम है तो ये है स्पुतनिक फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू यूके। इसका आंसर होगा एच ई मिस्टर नवजीत सरना द टोटल अमाउंट डेट कैन बी क्लेम्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पॉलिसी इसका आंसर है टू लैख नेक्स्ट क्वेश्चन है विरूपक्षा टेम्पल कहाँ है विरूपक्षा टेम्पल है हम्पी में श्रीलंका गोट तो इंडिपेंडेंस इन विच ईयर श्रीलंका इंडिपेंडेंस डे कब मनाती है सॉरी श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी इसका आंसर होगा 1948 में अगला क्वेश्चन है कल्चर एम्बेसिडर फॉर सीचिस कल्चर एम्बेसडर फॉर सीचेज ctls के कल्चर मिनिस्टर कौन है इसका आंसर है ए आर रहमान व्हाई कंट्रोलरर्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स रिएक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंट्रोलर्स क्यों यूज किए जाते हैं तो ये यूज किए जाते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम के फ्यूजन रेट को कंट्रोल करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर की चीजों को नहीं देखा जा सकता है ये होता है मायोपिया में वट इज द प्रजेंट इन स्टैंड आंसर होगा बार फोर अगला क्वेश्चन है हु इज द लास्ट बायस राय बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगला क्वेश्चन है टाइडल पोर्ट कहाँ है टाइडल पोर्ट है गुजरात के कक्ष में द तुंगाद्रा इज दी ऑफ द तुंगावद्रा रिवर किसकी टिविटरी है किसकी मेन टेविटरी है तो ये कृष्णा रिवर की मेन टेविटरी है फतेहपुर सिकरी कहाँ है फतेहपुर सिकरी है यूपी में चार मीरार मोन्यूमेंट कहाँ है चार मीरार है हैदराबाद में आईएमएफ के सी चीफ कौन है आईएमएफ के चीफ है क्रिस्टाइन लेगाडी सी एम ओ स्टैंड फोर सी एम ओ एस का फुल होता है क्रम कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑपरेशन स्माइल इज रिलेटेड टू ऑपरेशन स्माइल रिलेटेड है मिसिंग चिल्ड्रन से हिमायू टॉम लोकेटेड इन हिमायू टॉम कहाँ है ये है न्यू दिल्ली में नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड में कितने बोन्स होते हैं तो इसका आंसर होगा थर्टी थ्री हाउ मेनी डेज डिड द बैटल ऑफ महाराष्ट्र लास्ट इसका आंसर होगा एटीन डेज कालिंदी रिवर इज ऑल्सो नॉन एज कालिंदी रिवर और किस नाम से जाना जाता है कालिंदी रिवर यमुना के नाम से भी जाना जाता है द नेम गिवेन टू ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो इसका आंसर है रोहिणी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल नेपाल की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? इसका है विद्या देवी भंडारी नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया इसका आंसर है आर्टिकल फोर्टी फोर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया आर्टिकल फोर्टी फोर में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं के पी शर्मा ओली इनका पूरा नाम है खदगा प्रसाद शर्मा ओली अगला क्वेश्चन है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंडेड बाय फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किसके द्वारा स्थापित किया गया इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्टेट विथ मैक्सिमम बाउंड्रीज विथ अदर स्टेट्स कौन सा राज्य है जो दूसरे राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा संख्या में बाउंड्री बनाती है तो ये है यूपी उत्तर प्रदेश हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस यूएस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन एक्सरे के इन्वेंटर कौन है एक्सरे के इन्वेंटर है विलियम कॉर्फ्रेड रेंट जेन कॉमनवेल्थ गेम्स टू ये करंट अफेयर्स है इसे आप स्किप कर दीजिएगा विच ऑफ द द इज़ लाइटेस्ट गैस लाइटेस्ट गैस कौन सी है इसका आंसर होगा हीलियम। मोहम्मद हियातुल्ला कौन थे ये अलेवेंथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एंड इकोटोन, इकोटोन क्या होता है तो ये होता है ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी इसका आंसर होगा मिसेस श्रीमा वरन नाइक स्टार साइंस साइंसूट स्टार किसके किस, किस कारण से साइन करते हैं तो ये इसका आंसर होगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के कारण स्टार साइन करते हैं फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनी इसका आंसर होगा बेनजीर भुट्टो अगला क्वेश्चन है फीफा यू ट्वेंटी वर्ल्ड कप ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं स्किप करती हूँ अगला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के पहले चेयरमैन कौन थे इसका आंसर होगा विनोद राय जी ट्वेंटी सम्बिट ये भी करंट अफेयर्स है अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी इसका आंसर होगा जस्टिस एन आर हाउ मेनी कॉन्स्टिटेशन आर नेम्ड कितने को नाम दिया गया है? जिन्हें नाम दिया गया है टाइटल केसर ई हिंद किसे कहा गया है ये महात्मा गांधी को कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न आगरा वॉज फाउंडेड बाय मॉडर्न आगरा किसके द्वारा फाउंड किया गया इसका आंसर है सिकंदर लोधी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी इसका आंसर होगा एनी बेसेंट अजंता केव्स कहाँ है ये है महाराष्ट्र में फॉर्मिक एसिड फाउंड इन किस में फार्मिक एसिड पाया जाता है ये एंडस में पाए जाते हैं तेलंगाना स्टेट हैज बीन फॉर्म ड्यूरिंग तेलंगाना स्टेट्स किस लोकसभा में बना था ये फिफ्टी लोकसभा में बना था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था ये 1980 में आया था अगला क्वेश्चन है ग्रेफ्स एक्स एक्सप्लेन वेन यू इट इन वाटर अगर हम अंगूर को पानी में डालते हैं तो इसका आकार बढ़ने लगता है ये क्यों होता है ये होता है ऑस्मोसिस के कारण सो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने फिर से हंड्रेड क्वेश्चन किया है इस सीरीज का एक ही क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर watching,